वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इन मधु विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास है फोर्थ, चैप्टर है आपका वन, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो आज हम करेंगे ग्रामर स्टार्ट, और इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस पढ़ेंगे और इसके जो पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना है ना। लुक केयरफुली, लिसन केयरफुली, और स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर वन। देखो बच्चों, देखो इसमें यह बताया गया कि टू एक्सप्रेस अवर व्यूज, हमारे जो भी व्यू होता है हमारा, टू एक्सप्रेस अवर व्यूज एंड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा एक्सचेंज, हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करते हैं हम। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज का, LANGUAGE। देखो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हम क्यों यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अवर व्यूज। हमारे जो व्यूज होते हैं, हम सबका अलग अलग व्यू होता है किसी के भी बारे में, है ना, अपनी अपनी बात होती है, ठीक है, अपना अपना तर्क होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इसके अलावा एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इसके अलावा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करनी पड़ती है ना, हमारे जो भी थॉट होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, देते हैं, लेते हैं। तो यदि लैंग्वेज नहीं होगी तो क्या आप ऐसा कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए लैंग्वेज जो होती है वो जरूरी होती है। अब जो लैंग्वेज कोई भी जो होती है वो बोली जाती है, तो उसका एक बेसिक यूनिक होता है लैंग्वेज का, ये सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है इसका क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कोई भी जो लैंग्वेज है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, सेंटेंस होती है, यानी कि सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। यदि सेंटेंस नहीं होंगे, हम एक एक सेंटेंस बोलते हैं तभी तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने व्यूज बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप बोलोगे, ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि सेंटेंस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वर्ड से, और वर्ड्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, लेटर से। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, और जो कि एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट, है ना। ये जो सेंटेंस होता है ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक कंप्लीट थॉट, ये बताता है एक कंप्लीट थॉट। अब देखो सेंटेंस क्या होता है, आपको पता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मैं तो पता ही आपको कि जो सेंटेंस वो है वो क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, गुड ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, जिसका एक क्या होता है, सेंस भी होना जरूरी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यदि कोई सेंस नहीं निकलता तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए कंप्लीट सेंटेंस जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से, इस मैनर से, इस तरीके से अरेंज होते हैं वर्ड्स, जिससे कि सेंटेंस जो है उसका कोई ना कोई सेंस निकलता है, मीनिंगफुल सेंस उसका निकलता है। अब देखो कुछ सेंटेंस देखते हैं,
देखो ये एक सेंटेंस है, मिल्क गिव्स अस द काउ, मिल्क गिव्स अस द काउ। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, सही नहीं है, क्योंकि इसे सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो सेंटेंस बनाने के लिए एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है प्लस वर्ब, ठीक है, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो इन्हें आपको समझना पड़ेगा तभी आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, उसका कोई कोई सेंस होगा। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में भी सेंटेंस में बताया जाता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि देखो सब्जेक्ट लिख सकते हैं हम माय मदर, माय मदर कि मेरी मम्मी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर वाज वर कैन कुड विल शैल, ये जो भी होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज, माय मदर इज, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, जो मेन वर्ब कौन सी होती है आपको बताइए ना, मेन वर्ब लुक सी गो कम ईट, ये सब क्या होती है मेन वर्ब होती है। तब हम इसमें लिखेंगे धो रही है, तो इसमें लिखेंगे वॉशिंग, माय मदर इज वॉशिंग। अब है ऑब्जेक्ट कि क्या चीज हो रही है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब देखो इसमें कौन सा काम कर रहे हैं, अब जो इसमें बच गया वो ऑब्जेक्ट है वो है क्लोज। तो अब ये इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाएगा कि माय मदर इज वॉशिंग क्लोज, ठीक है। ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया, इज एम आर वाज वर जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद में आती है वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो है इसका हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट, अब देखो जैसे ये सेंटेंस है इसको हमें क्या करना है, सही करना है, क्योंकि सही नहीं था, सही तरीके से अरेंज नहीं था, अब हम इसको सही करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है द काउ, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से द काउ, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। अब आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब है ये वाली गिव, गिव क्या है वर्ब है, तो हमने लिख दिया गिव्स द काउ गिव्स, फिर लिखेंगे अस द मिल्क। तो ये हो गया आपका, ये जो रूल है इसे आपको देखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी सिंपल सेंटेंस का ये फॉर्मूला है जिसे आपको फॉलो करना है, तब आपके सेंटेंस जो होंगे वो सही से अरेंज हो जाएंगे। अब देखो इसमें करते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ये है रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। रीराइट ये ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इनको आपको रीराइट लिखना है, मतलब कि दोबारा से लिखना है टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जिससे कि आपके मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। एम ए एन आई एन जी मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखो इसमें नंबर वन
नंबर वन है सेवन हैज द कलर रेनबो, हैज द कलर रेनबो। तो ये जो है ये अरेंज नहीं है सही से, तो इसको आपको अरेंज करना है। इसका आंसर क्या लिखेंगे देखो, इसमें किसके बारे में बताया गया। सबसे पहले हम ये इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें बताया गया है रेनबो के बारे में, किसके बारे में बताया गया, रेनबो के बारे में। तो रेनबो देखो, रेनबो अब जब इसकी स्टार्टिंग करें तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे रेनबो, है ना। अब देखो इसमें यहाँ पर द द भी लगाएंगे, द रेनबो, अब इसको स्मॉल कर देंगे, ठीक है। द रेनबो हैज, अब क्या बच गया इसमें, ये क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। रेनबो है, द रेनबो हैज, अब क्या चीज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, सेवन कलर्स, तो ये है इसका ऑब्जेक्ट, तो हो गया ये सही। अब देखो नंबर टू, एट्रैक्ट ए एफ आर ए आर टी, एट्रैक्ट नॉट आई एम द एट्रैक्ट नॉट आई एम एट्रैक्ट नॉट आई एम चैलेंजेस हो, सी एच ए डबल एल ए सी एच ए डबल एल ई एन जी एस चैलेंजेस ऑफ। अब देखो इसमें किसके बारे में बताया गया है, आई, ठीक है। तो आई क्या है सब्जेक्ट है, तो इसमें ये सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख दी आई एम। अब क्या आता है वर्ब आता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, नॉट अफ्रेड, अफ्रेड डरना, ये क्या है वर्ब है, आई एम नॉट अफ्रेड कि मैं डरता नहीं हूँ किससे, ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस से नहीं डरता हूँ, सी एच ए डबल एल ई एन जी ई एस। तो ये इसको हो गया सही आंसर। नंबर थ्री, नंबर थ्री नेशनल एन ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल इंडिया ऑफ द एनिमल इज टाइगर। अब देखो नेशनल इंडिया ऑफ द एनिमल इज टाइगर, अब देखो इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें टाइगर, क्योंकि टाइगर के बारे में बताया गया है कि टाइगर, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज, ठीक है, टाइगर इज। उसके बाद में है वर्ब आता है, तो टाइगर जो है वो क्या है, नेशनल एनिमल है, तो वर्ब जो है वो ये भी बताता है कि कोई चीज जो है वो क्या है, तब ये भी वर्ब क्या लाएगा, टाइगर इज द नेशनल एनिमल, एन ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो क्लास फोर, आज आपने ये जो पार्ट है वन, इसमें पढ़ा है सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल किस तरह से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।